धोखा किया है और हमारे बच्चों के कातिल और हमारे कातिल यही है, यही लोग हैं, यही बीजेपी सरकार, यही बीजेपी सरकार हमारे बच्चों के कातिल है, यही बीजेपी सरकार हमारे बच्चों के कातिल है। में गुलाम नबी आजाद साहब की कयादत जिन्होंने हमारे मसले को काफी दूर ले गए थे, मगर कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया था। देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि हमने कांग्रेस को खदेड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी को वजूद में लाया, इसलिए लाया कि जम्मू प्रोविंस के अंदर जहां हर मजहब का लोग रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा भाई भाई, और हम दूसरी बात, इन पे एहसान, इन्होंने हमारे ऊपर एहसान नहीं करना है। पीएचई डिपार्टमेंट सरकार का बनाया है, गवर्नमेंट का बनाया है, अगर पर मिनट को 50,000 तनख्वाह, क्या टेलीविजन 700-800 में क्या चलाएगा अपना घर, और काम भी हम ही लोग करते हैं। हाँ, पर मिनट स्टाफ भी इनके पास नहीं है, इसलिए आपके माध्यम चैनल के माध्यम से हम सरकार को यही अपील करते हैं कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल करें, जितना जल्दी करेंगे ये कामयाब होंगे। आवाज दो, आवाज दो, तुम्हारी बात तो तुमको करनी पड़ेगी, वरना करनी बनी पड़ेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, लाल लाल लहराएगा, लाल लाल लहराएगा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह के को मैसेज देना चाहता हूँ, आप जो वादा करते हो हम 50 सीट लेंगे, 50 क्या, आप 5 भी सीट नहीं ले सकोगे। जिस तरह कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस दिख नहीं रही है, वैसे ही आज बीजेपी को एक हमासला पुतला भुगतना पड़ेगा। अगर बीजेपी ने हमारे साथ हमारा वादा पूरा नहीं किया, आप क्या लखनपुर से पार हो जाओगे, आप लखनपुर से पार हो जाओगे। आपने हमारा डेली जरूर का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने और इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा आने वाले दिनों में, देख लेंगे। अगर इलेक्शन से पहले पहले इन्होंने हमारा फैसला नहीं किया तो ये लखनपुर से पार हो जाएंगे। 5 क्या 50 का ये पार पिछड़े नहीं ले सकेगी, इनकी क्या लाखों लाखों की कमाई है, हमारा 750 में क्या घर चल सकता है, नहीं चल सकता है। 750 का आज तेल की कैनी भी नहीं आती है, और मैं वादा करता हूँ कि बीजेपी का बेड़ा गर्क होने वाला है, और यही डेली यूजर बीजेपी का बेड़ा गर्क करेगी। जय हिंद, जय भारत। शिव टाइम से थोड़ा सारा स्वागत है, मैं डिंपल वर्मा बिलावर दा उठिया, अज मैं जम्मू आया उंदे कन्ने, जेके बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ दे जेके पीएचई डिपार्टमेंट दे डेली वेजर ना, उंदा जेका मसला दिन जेका ना वो जेका जोर पकड़ी जा दा अज, जेका इस वेले मैं खड़ा गांधी नगर गोर मार्केट जेका पार्क दे विच जीरो ग्राउंड दी कवर रही है। ये मेरा पीछे तुसीं दिखी जांदे ना, पीएचई डिपार्टमेंट दे कर्मचारी ना सारे जेके अपने अपनी समस्या दसी जांदे ना, भाई लाई लो हिसाब 2.5 साल बीजेपी दे पीडीपी दी सरकार रही, MOS मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हैं जेके सेंटर च बैठे ने, PMO कार्यालय विच विच भी, लेकिन फिर भी PHE डिपार्टमेंट का जेका मसला जेका हल नहीं होता। और आए दिन तुस दिखने PHE आले होए जां बिजली डिपार्टमेंट आले होए, आए दिन जेके रोड उपर आइए प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि भाई सवेरे 7 बजे जाते नहीं जे लोगों का घर जेका पानी प्रोवाइड करते हैं, बिजली वाला भी हाल है, PHE वाला भी मेहनत बड़ी करते हैं, लेकिन अज तक इन्हें कोई पक्का नहीं करने वास्ते अगे वैदे है। अज जिन्हें अपना प्रोटेस्ट रखता रोड रूप उतरना, लोग इन्नी जी समस्या ना तुसें वीडियो के माध्यम कन्नै जरूर दिखना, लेकिन अज मैं
बिलावर के जिन्हें भी पी एच ई डिपार्टमेंट के कर्मचारी ना और डिस्ट्रिक्ट कठुए के उनकी सपोर्ट आस्ते सारी शिफ्ट टाइम की टीम अज इंटर कन्ने जी बिलावर उठी है जम्मू में आई है अद्धा ज्यादा इस बच्च बिलावर के लोग जो पी एच ई डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने वो आ रहे हैं सिर्फ अपनी मंग की जी पूरा लेकर क्योंकि बिलावर के गए जितने जे सारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं उन्हें भी जी उनके पी एच ई डिपार्टमेंट अल तक कोई भी जो मुद्दा जो नहीं आगे उछाले गया अरविंद राणा जी बड़े बड़े वादे करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन अज तक जो पी एच ई आने बिजली आने जो डेली बेस लगते हैं भाई रोड उपर बैठे हैं बड़ी बुरी हालत है जी इनकी जी है अज मैं जीरो ग्राउंड की कवरेज जी मैं मूँह जबानी तुम्हें सुनानी है तो जनता जनार्दन अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे दें तुस दिखी जाने जीरो ग्राउंड उपर जी पी एच ई डिपार्टमेंट के कर्मचारी सारे अपना अपना प्रोटेस्ट बगैरा करी जाते ये तुम दिखी जाने जीरो ग्राउंड उपर पी एच ई डिपार्टमेंट के जिन्हें भी कर्मचारी हैं ना ये सारे इस वे गौर मार्केट पार्क के अपना प्रोटेस्ट करी जाते हैं ये क्योंकि डेली वेजर जो भी बड़े ज्यादा परेशान हैं सीनियर साथी ये तुम दिखी जाने रवि हंसी को दावा देता हूँ कि वो आए मंच पे ऊपर आए और आगे की जो भी रणनीति काफ़ी मात्रा हर डिस्ट्रिक्ट का हर विलेज का हर ग्राम जिन्हें भी साढ़े पी एच ई डेली वेजर ना वो सारे आ जाते बिलावर बनी बसोली कठुआ रामबन भद्रवाह पूरे जम्मू कश्मीर के जिन्हें भी डेली वेजर पी एच ई डिपार्टमेंट के ना वो सारे आते हैं अज असें जीरो ग्राउंड की कवरेज यही दस तो इनका इको मैसेज है जी कि एम ओ एस मिनिस्टर पी एम ओ कार्यालय में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तक जो एक इनका मैसेज है क्योंकि हिंदुस्तान का एक कोना जो लोगों को पूछना चाहिए साथियों जब आपके सब पास बोलते हैं और आपको अलग अलग बातें बताते हैं तो उनको एक बात जरूर पूछो कि अगर पांच गुट आपस में आज भी एक है पांच जुड़ने हमारी एक हथे बच ने अपना राष्ट्रीय ध्वज भी लेते भाई बीमारी पड़ गई थी ये तो दिखी जाने उस जुट से बाहर ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है ना बीजेपी ना कांग्रेस ना एनसी ना पीडीपी इन्होंने सिर्फ अपने हाथ बच्चे का राष्ट्रीय ध्वज भी लेता तिरंगा चंबा ये दिखी आने दो सब राष्ट्रीय ध्वज जेका इंदे हत्थे विच जे लहरा दा पीएचई डिपार्टमेंट दे कर्मचारियों विच तुस दिखी जाने हर बंदे दे हत्थे विच राष्ट्रीय ध्वज है कोई पॉलिटिकल इशू नहीं इंदे कन्ने लेकिन राजनेता जेके ना ओ इंदे कन्ने जेका ओ पॉलिटिकल जो भी मेरे पीछे खड़े हैं इशू खेली जांदे ने ए दिखी जाने राष्ट्रीय ध्वज इंदा हत्थे है जो भी जीरो ग्राउंड उपर मात्र ए देखो किन्ने ज्यादा पीएचई दिल्ली वेजर तबका जेका परेशान होदा हैरेसमेंट कीता इने जेके जनाब हम आपके चैनल का बहुत खुशगवार हैं जिन्होंने हमारी जो हमारी बात को मीडिया तक पहुंचाएंगे मेहनत हमारी लोड तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मेहनत हमारी लोड तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मेहनत तुम्हारी लोड सर आप कहाँ कहाँ से आए हैं जी डेली हम जनाब डिस्ट्रिक्ट डोडा से आए हैं हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं हमारी रिक्वेस्ट है कि 1994 से लेकर 2022 है हमारा हक नहीं मिल रहा है सिर्फ झूठे वादे हैं ये अपनी सरकार को मुकम्मल करना चाहते हैं लेकिन अगर इन्होंने हमारा हक इलेक्शन से पहले नहीं दिया हमारे डोडा की 8 सीटें हैं यह एक भी नहीं ले सकते हैं हमारे गोबर पे भी पावर है यह
इन पर काला मुंह हम करेंगे। हमारा बच्चा भूखा मर रहा है, कोई किसी को किराया नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई उन्होंने कहाँ तक ले चली है। तेल का लीटर 240 रुपए का है, सोचो आप 1700 में क्या हो सकता है। आइंदा के लिए हम, अगर इन्होंने हमारा इलेक्शन से पहले मसला हल नहीं किया तो हम इनका काला मुंह पूरा कर देंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? बसोली से आए हैं, बसोली से, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। बसोली से आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि हम यहाँ लीडरी करने नहीं आए हैं, हमें मजबूरी है। 267 रुपया पर डे मिलता है हमें, वो भी 70 महीने का बकाया वेतन है, वो भी नहीं दिया अभी तक। तो अब हम बताएं क्या करें, महंगाई का जमाना है। तो गवर्नमेंट अब गूंगी बहरी गवर्नमेंट है, सोई है, अब इनको होश नहीं आती है। हम आए इसको जगाने के लिए आए हैं, तभी जे डोडा के, उधमपुर के, कठुआ, बसोली, राजौरी, पुंछ सभी से आए हैं, इसीलिए आए हैं, मजबूर हैं हम। सर आप कहाँ से आए हैं? थोड़ा जोर से बोलेंगे सर, क्या समस्या है? समस्या है हमारे 28 साल हो गए, आज तक किसी ने इनकी बात नहीं पूछी, क्योंकि गवर्नर जगमोहन ने इनको परमानेंट किया था 1994 में। उसके बाद हम गिरीश चंद्र सक्सेना से उम्मीद करते थे कि ये अब आए हैं, हमारा कुछ मसला हल करेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट से सभा में आई थी, उम्मीद करते थे कुछ हमारे बच्चे आज 225 रुपया गाड़ी मिलती है, वोट देते हैं, डीसी इलेक्शन लड़ेंगे, बीडी से इलेक्शन लड़ेंगे, हम घर का मसला, इनका मसला रखेंगे। मेरे कन्नै इस वेला मौजूद ने जेके बिलावर दा उठिया जम्मू अज प्रोटेस्ट करने आदे पीएचई डेली वेजर जेके। सर के बोलना चाहगे तुसीं? मैं वीरबाल जलमेरिया आ डेली वेजर प्रेजेंट, पीएचई यूनिट फ्रंट बिलावर बनी बसोली। अज दा डिंपल जी साडा मुद्दा हा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह दे घरे दा घिराओ करना, लेकिन किया है कुछ पुलिसां ने लाठीचार्ज की है। चलो खैर, इहदा कोई इतराज नहीं हुंदा, लाठियां आउंदियां जिंदियां वजदियां हाँ जी, मुकाबला जो उन्हें भी बची सकती हैं, लेकिन असें यह चीज़ नहीं सोची। मैं बात जहाँ डीएसपी गलाया मेरा ये जी चीज़ है, यह मत करता मैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं दिता, क्यों असं इंप्लाई ना तुम इंप्लाई रहा रिया। मसला डेली वेजर की मंगें का, तो डिंपल जी मंगा के बड़िया पुरानिया चला कर, लेकिन सारे को याद है सानू ने बीजेपी ने बहुत तंग किया, इसके बाद अस बीजेपी का खिलाफ जी चला करने चला इस गला कि साढ़ा कहना अगर पिछलियां गौरमेंटें साढ़े ने गलती की तो इन्हें भी उइ हिसाब किया भी दोवें पोलिटिकल लीडर जो दोवें चट्टे बट्टे होंगे ने, गलाने का मिसाल है भी दोवें पार्टियां चट्टे बट्टे ने, लेकिन जिहड़ी बीजेपी की लीडरशिप के बिच असें आश्वासन मिलिया रविंदर रैना जी ने वार वार कराया भी चिंता नहीं करनी, तोड़े बच्चे नहीं, तोड़िया धीं नहीं, तोड़ा अपना एक घर है, जे तुस अपने घर की घड़िया रह करते हो, घड़िया नहीं रह करते, तो मसला भी साढ़िया बच्चे भी हैं, साढ़िया धीं भी हैं, साढ़े माँ प्यो भी हैं, अस सारे इस वास्त दुखी हाँ, क्योंकि तुम्हें नशाना इस गला लै करने कि तुसा सू वार वार वायदा दिता कि चिंता नहीं करनी। मैं थोड़े कन्नै जे साढ़े कन्नै कि दस साढ़े कन्नै कि दस है कि अगर साढ़े मसले हल नहीं होए तो साढ़े अस कि कन्नै रिया। मसला डॉक्टर जतेंद्र सिंह का, डॉक्टर जतेंद्र सिंह होरें भी साढ़े कन्नै बाद रिया धोखा किया, बाद रिया बिलावर मैं तुहाडे दो बारी मिलिया, उन्हें गलाया भी मैं जिस वेला भी जम्मू जिन्ना तो मैं सारे पहले थोड़े कन्नै जी डेली भेजने की गल करगा। जम्मू का बजाय वो दिल्ली बैठते हैं, ये वास्तव दिल्ली का भी अज तक उन्हें कोई भी साड़ी जी है गल जी नहीं की। अलबत्ता कि उन्हें जम्मू के बिच कश्मीर के बिच 100-200 लाख 2 लाख नहीं अरबा करोड़ों रुपये प्रोजेक्ट असर दिते, जर उद्दे सू 1% पैसा जोड़ा साढ़ा दे उड़ते तो साड़ी जी पेंडिंग वेजिज ही वो सू मिली सकती, लेकिन अज तक वह भी नहीं मिली, तो कि 5-6 बारी बजट जो उन्हें साल का रखा सू भी गया वेतन जोड़ा साड़ा वह भी नहीं मिलया। अस चाहते भी चलो सू सारा किट्ठा नहीं तो किस्त बाई किस्त जो सा पैसा जो सू दिता जा ता कि अस अपने बाल बच्चे के आने वाले मार्च उपर फीसा लगियां स्कूल लगी जाने बच्चे के दाखले देने वर्दियां देनिया फीसा देनिया अस उन पर बड़ी एक ख्वाहिश लेकर चलते, लेकिन डॉक्टर जतेंद्र सिंह होर भी सारा डेली वेजर के बारे कोई भी गल नहीं की। रिया मसला एल जी साहब का, मनोज सैना का, सारे लोग जम्मू कश्मीर के ईवन के मेरे साथी भी ये चीज़ गलांदे कि मनोज सैना जी यूपी का भी विकास पुरसन
मीग नहीं लगा होता विकास पुरश जब डेली वेजर का जम्मू का बारे गल आती है तो सारे लोग चाहे वह डेली वेजर पी एच ई दे बिजली देने सिड़का देने पी डब्ल्यू डी देने एरीकेशन फ्लड कंट्रोल जिदे भी हैं जब डेली वेजर की बारी आती है तो मेरिया नज़र जो नास पुरश हो जाते हैं क्योंकि जम्मू के आदि जम्मू कश्मीर के चार बारी उन्हें परमानेंट मुलाजमें की भत्ते दिते डीए दिते ने हाँ जी गल उनका हर चीज़ बधाई लेकिन डेली वेजर के बारे में उन्हें लोगों के होंगे भाई एक रुपया भी बधाना नहीं बधाया हालांकि अपनी चेयर उपर बेहिया उन्होंने ये गल गलाई कि डी डी इलेक्शन होने बाद मैं जोड़ा थोड़ा जरा मसला जरा हल करगा तुम मेरे को नाराज होइए नहीं जाना अलबत्त मी रब नहीं जानता भी उन्हें खाबे च गलाया जो उन्हें कोई सुखना आया उन्हें वह गलाया एड्डी वड्डी चेयर अगर जम्मू के बिच कश्मीर के डेली बजे ने झूठ बोली सकती तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह किश नहीं है मैं कुछ समझता किश नहीं है क्योंकि वादा फैर है अज जागर जम्मू में तो कल कलकत्ता जो कल कलकत्ता तो परसों पंजाब है उसी जम्मू का पता नहीं है जम्मू है कौन है क्योंकि जिस बंदा हवा भी तो चलता उसी जम्मू लोगों का गरीबों लोगों का के पता इहदा वास है मैं खुशामद नहीं करांगा नहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की नहीं एल जी साहब की मैं चेतावनी देवांगा कि अगर डेली वेजरे का कार्ड ही आ रहे डेली वेजर का अगर तुसें लोकें मसला हल नहीं किया रेगुलाइज पॉलिसी नहीं की मिनिमम एक्ट वेजिस नहीं किया और साड़ी जी पेंडिंग वेतन है जो सू वाई किस्त नहीं दिता तो तुस गलांदे कि 50 सीटा जम्मू कश्मीर दे विच जिन्हां पंजाब दे विच जिन्हां यूपी दे विच तोड़े लोके बीजेपी दियां तंबियां उधरियां खुलाइयां लोकें इं थोड़ियां ग्रां च बाजार च शहर च थोड़ियां तंबियां सिखलागे अलबत्त अगर साढ़े डेली वेजर का कम तुसें लोकें नहीं किया। जय हिंद जय भारत।